नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए गुड न्यूज है। साथियों, बहुत ही अच्छी न्यूज है उन बच्चों के लिए जिनकी एज थोड़ा सा ज्यादा हो गई है। तो उसके लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो SI की वैकेंसी निकली थी जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें जिनकी एज 28 साल से ऊपर हो गई थी, तो उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। और वो क्या की गई थी वो मैं आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। वो उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों की एज जो है उनकी जो यानी कि 28 साल से ज्यादा हो गई थी, कि उनको भी मौका दिया जाए। क्यों मौका दिया जाए? वो इसलिए दिया जाए क्योंकि यूपी में जो SI की वैकेंसी है वो 2016 के बाद में नहीं आई थी। यानी कि 2016 में आपकी जो वैकेंसी थी वो आई थी, 2016 में SI की वैकेंसी पूरी कराई गई थी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कोई भी उत्तर प्रदेश में SI की वैकेंसी नहीं आई। तो इसको लेकर दूसरा जो कोरोना संक्रमण है उसकी वजह से जो वैकेंसी नहीं आई, जो डिले हुई, इस वजह से उन छात्रों को भी मौका दिया जाए जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिनकी एज 1 या 2 साल निकल गई है। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, किन किन को मौका मिलेगा, कितनी ओवर एज तक मौका मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो साथियों, इसमें जो मैक्सिमम एज है यानी कि जो जर्नल की, जो बाकी कैटेगरी को छूट मिलती है वो तो मिलती है, यानी कि जो जर्नल की जो एज है वो है 28 साल। लेकिन अब यहां पर जिनकी एज 28 से ज्यादा हो चुकी है, अब कितनी ज्यादा तक भर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो साथियों, यहां पर मैं ज्यादा पूरा ना पढ़ के डिटेल में, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं यहां पर जो मेन पॉइंट है उनकी मैं बात करता हूं। साथियों, जिनकी एज 2018 यानी कि 2018 में आपकी 28 साल थी, यानी कि 2018 में उनकी जो एज है वो 28 साल थी, वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 2.5 साल का आपको मौका मिल रहा है। यानी कि यदि आपकी एज 30.5 साल हो गई है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ किस मंथ तक, यानी कि 2018 में भी 12 महीने होंगे, तो वो कौन से मंथ तक, तो मंथ की हम बात करते हैं। तो जो मंथ और डेट है वो है आपकी 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई से 1 जुलाई आपका 2018 तक, यानी कि 1 जुलाई 2018 तक जिनकी एज 28 वर्ष है, यानी कि इस डेट को इंक्लूड करके, तो जिनकी एज 28 वर्ष है यानी कि 2018 तक 28 वर्ष है जिनकी एज, तो वो इसमें फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। उन बच्चों को मौका मिल सकता है, यानी कि मिल सकता है नहीं, मिल गया है, यानी कि इसका आदेश कल आ गया है। तो आपका जो हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसका आदेश जारी हो गया है। अब जिनकी एज 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष है, जर्नल वालों की हमें बात कर रहा हूं, तो वो अब इसमें UPSI में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि उनको बहुत एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है अपना, जिनकी एज थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, जो इसकी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो बात करें कि अभी नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जो फॉर्म फिल करने की डेट है, वो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आपकी 15 जून कर दी गई थी। पहले आपका 30 अप्रैल थी, अब उसको बढ़ा के फॉर्म की डेट को वो कर दी गई है 15 जून। 15 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और ये जो आपका नोटिफिकेशन है आज जो साइट पर आ जाएगा, यानी कि आज साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आपका जो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें तो डेट नहीं दे रखी थी, यहां पर सिर्फ दे रखा था कि 2018। तो लेकिन यहां पर क्या है, इसमें आपका क्या दी हुई है, एज दी हुई है, यानी कि कब तक आपका, यहां पर आप देख सकते हैं जिनकी एज क्या है भाई, आपकी जिनकी एज 2018 वर्ष से अधिक नहीं है, यानी कि 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र आमंत्रित रूप से स्वीकार किए जाएंगे। तो क्लियर है आपको? तो यदि आपकी एज भी इस क्राइटेरिया के अंदर आती है, इस डेट के अंदर आती है, तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथियों, आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हैं, जितनी भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें हैं, उनके लिए यदि आप भी अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, उस पर मैं सब सारी अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।